ट्रेन के इंजन पर WAG, WAP, WDMQ लिखा होता है। इन सिंबल का मतलब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में ट्रेन से ट्रैवल ना करने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल है। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके अलावा लंबी दूरी के ट्रैवल के लिए लाखों लोग ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। इस बीच ट्रेन से ट्रैवल करते समय हमें इंडियन ट्रेन के इंजनों पर WAG, WAP, WDM, WAM जैसे सिंबल लिखे मिलते हैं। हालांकि हम में से बहुत लोग इन सिंबल का मतलब नहीं जानते। इन सिंबल में कोई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हाईलाइट की जाती है, तो आइए जानते हैं इन सिंबल का मतलब क्या है। बेसिकली इन विशेष कोडों में पहला अक्षर W होता है, जो रेलवे ट्रैक के गेज होता है, जो 5 फीट का है। इसके अलावा दूसरे अक्षर A और D इंजन के पावर सोर्स होता है, यानी A का मतलब है कि इंजन करंट से चलता है। इसके अलावा D का मतलब इंजन डीजल पर चलता है। दूसरी ओर तीसरे अक्षर P, G, M और S इंजन के उद्देश्य को दर्शाता है, यानी P का मतलब पैसेंजर ट्रेन है, G का मतलब है कि ये एक मालगाड़ी है, साथ ही M का मतलब है कि ट्रेन का उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका मतलब शंटिंग होता है। ऐसे में अगर आपको ट्रेन के इंजन पर वाग लिखा दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ट्रेन वाइड गेज ट्रैक पर चलती है और AC मोटी पावर इंजन वाली ट्रेन है जिसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसी तरह अगर आपको किसी इंजन पर WAP लिखा दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि ट्रेन वाइड गेज ट्रैक पर चलती है और AC मोटी पावर इंजन ट्रेन भी है। हालांकि इस ट्रेन का उपयोग पैसेंजर परिवहन के लिए किया जाता है। और अगर आपको इंजन पर WAM लिखा दिखाई दे तो उसका मतलब है कि यह वाइड गेज ट्रैक पर चलता है। साथ ही ये AC मोटिव पावर इंजन से चलने वाली ट्रेन है जिसका उपयोग पैसेंजर और ट्रांसपोर्टिंग दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है। साथ ही अगर आपको कभी किसी ट्रेन के इंजन पर WDS लिखा दिखाई दे तो उसका मतलब है कि यह डीजल मोटिव पावर इंजन वाली ट्रेन है जो वाइड गेज ट्रैक पर चल रही है। साथ ही इसका उपयोग शंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक ठोको और सब्सक्राइब का बटन जोर से दबाओ।